हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। ये दोस्तों, ये पीसीजे मेंस का पेपर्स है। ये खासकर आईपीसी से रिलेटेड है। दोस्तों, मैं चाहता हूँ अभी तक हमारे जो चैनल है ऑनलाइन क्लासेस चैनल है, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन घंटे प्रेस करने पर मैं कोई भी वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। एवरीवन, दोस्तों ये पूरा सेशन देखिएगा, खास करके जो है मेंस के पेपर्स में अपीयर होने वाले हैं। मैं लोकल एक्ट और एक जो है आईपीसी डेली जो है इसे कंप्लीट करूंगा, और ताकि आपके जो पेपर फोर्थ है ये आपकी जो है बहुत ही मजबूत हो। दोस्तों, मैं खास करके मेंस और प्री के दोनों पर्पज से आपको देता हूँ, और इतना डिजिटल हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं, लेकिन मैं जो देता हूँ वो कोई नहीं दे पाएगा दोस्तों, क्योंकि आपको मेरे साथ बैरेक्ट पे रहना है। अगर बैरेक्ट नहीं है तो आपको थोड़ा समझने में डिफिकल्ट होगा। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं पूरे तरीके से दक्ष हूँ, लेकिन आपको ये जरूरी है आप एहतियात तौर पर अपने साथ जो अगर हमारे साथ है तो बैरेक्ट क्लिक कराए और पूरे सेशन देखिए। एवरीवन, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से मामलों में से किन्हीं चार में क्या अपराध हुआ है। पहला है, एक चिड़िया को मार डालने, उसे चुरा लेने के आशय से ए उस पर गोली चलाकर बी को जो एक झाड़ी के पीछे है मार डालता है, किंतु ए नहीं जानता था कि वो बी वहां है। ये 299 से हम पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद में बी को तलवार से ऐसे घाव कर ए शास्त्र से करता है जो प्राकृतिक साधारण अनुक्रम में किसी मनुष्य को मृत कारित करने के लिए पर्याप्त है। ये परिणाम स्वरूप बी की मृत्यु हो जाएगी। ये 300 में धारा 300 में पढ़ेंगे। का किसी प्रतिहेतु बिना व्यक्तियों के समूह को भरी हुई पिस्तौल चलाता है और उनमें से एक बद्ध कर देता है। फोर्थ कहता है का पर अपना मुक्का इस शास्त्र से और ये संभव से जानते हुए हिलाता है कि उसके द्वारा खा को विश्वास है कि वो खा को मानने वाला है। खा को संपत्ति के बिना खा के कब्जे से एक ब्रिज बेमानी से लेने के आशय से खा के भूमि पर लगे हुए ब्रिज को काट डालता है। खा को राजमार्ग पर पड़ी हुई एक अंगूठी मिलती तो उसके किसके कब्जे में है नहीं, ये नहीं, उसे उठा लेता है। तो इसके संबंधित में जो है हम आपको बताएंगे। अब सॉल्व करते हैं आंसर। ये कहता है प्रस्तुत समस्या ये 299 का एक है। प्रस्तुत समस्या का ने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि का ने ये नहीं जानता था कि झाड़ी के पीछे खा है। प्रस्तुत समस्या का ने चिड़िया को मारने को से चुरा लेने के आशय से गोली चलाया है। अब ये समस्या है 299 का। जब आप जब बी देखेंगे, यानी ए जो है ए ये नहीं जानता था कि बी जो है ए नहीं जानता था कि ये है एक मिनट ये ए नहीं जानता था कि जो बी है क्या है ए नहीं जानता था जो बी एक झाड़ी के पीछे है, बी झाड़ी के पीछे, सी ये नहीं जानता जो है बी ये नहीं जानता था कि ये कीमत करने का आशय से जानते हुए कि उस पर यह कीमत कर्तन होना संभव है, तो बी को उस झाड़ी पर गोली चलाने के लिए उत्प्रेरित करता है। बी गोली चलाता है और या का मार डालता है। या हो सकता है कि बी किसी भी अपराध का दोषी ना हो किंतु ये अपराधी मानवबद्ध का अपराध किया है। यानी एक बार फिर देख लीजिए कि जिसमें ये कहता है कि आप देखिए, मैं देखता हूं कि इसे समझने की जरूरत है कि ए जो है ए जानता है कि सी एक झाड़ी के पीछे है। किसके है? ये झाड़ी के पीछे है। ए जानता है, ए को क्या है? नॉलेज है। क्या है? नॉलेज है, ठीक है। और जानता है कि सी जो है झाड़ी के पीछे छुपा हुआ है, और जो बी है बी को क्या है? बी नहीं जानता, इसको नॉलेज नहीं, बी को क्या है? नॉलेज नहीं है। और यह कि मृत करने के आशय से, यानी सी की जो है डेथ करने के आशय से, ये जानते हुए कि उसे या कि मृत खारित होना, यानी सी की जो है मृत खारित होना पर्याप्त है, यानी सी का जो है मृत कारित होना संभव है, तो बी उसी झाड़ी को गोली चलाने के लिए, कौन सा बी को गोली चलाने के लिए कौन उत्प्रेरित करता है? ए उत्प्रेरित करता है। ए जब उत्प्रेरित करता है और बी गोली चलाता है, और या जो है क्या होता है,
मर जाता है। तो यहां हो सकता है कि बी ने किसी अपराध का दोषी नहीं हो, बी किसी अपराध का दोषी ना हो, किंतु ए अपराधी मानो बद का दोषी। ए को नॉलेज था, बी को नॉलेज नहीं है, यहां पर नॉलेज की बात है। दोस्तों नॉलेज पर आप टिके रहिएगा। अब उसके बाद में जो है हम बात करेंगे सेकेंड जो है 300 पर बात करेंगे। अब 300 पे क्या कहता है प्रथम समस्या, 300 पे क्या कहता है ये देखेंगे। 300 का जो है इसमें क्या कहता है, 300 में ये कहता है कि प्रथम समस्या ए ने सासे से तलवार बी पर हमला किया। क्या क्या जो है प्रथम समस्या है कि बी ने जो है ए ने जो है बी पर क्या है जो ये देखिएगा, यानी प्रथम समस्या है ए ने सासे से तलवार से बी पर हमला किया। क्या क्या सासे से बी पर क्या है, ए ने सासे से यानी जो है बी पर क्या क्या तलवार से हमला किया। ठीक है, हमला के जो परकित के समान मित करने के लिए पर्याप्त है। ए ने बी की हत्या किया है, ए ने क्या क्या बी की हत्या किया है। अब उपरोक्त समस्या भारतीय दंड संहिता 300 पर आधारित है और 300 के खंड के जो है आप 300 खंड 3 में जाएंगे, 300 के खंड 3 में जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि कहा जाता है 300 खंड 3 में ये कहा जाता है, यदि तो कोई व्यक्ति क्या है 300 खंड 3 में जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है यदि तो कोई व्यक्ति क्या है, एक मिनट, यानी 300 खंड पे आधारित है कि ये कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति हो ऐसे कार्य द्वारा किसी की मृत्यु कारित करता है। क्या है, किसी की मृत्यु कारित करता है जिस कार्य से वो उपहत है, यानी जिस कार्य से उपहत व्यक्ति की परिकित के मामले अनुक्रम मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है, यानी कि जिस एक्ट करता है उसमें उपहत यानी चोट व्यक्ति की परिकित यानी जो व्यक्ति का जो नेचर से उसमें मामूली अनुक्रम में उसके मामूली अनुक्रम में मृत कारित करने के लिए क्या है पर्याप्त है, तो वहां हत्या का दोषी है। क्योंकि प्रश्नगत समस्या ए ने बी को तलवार से घाव कारित किया है उसके कार से हत्या करने के आशय से प्रतीत होता है और घाव ऐसे जो प्रकृत के समान प्रकृत के मामूली अनुक्रम में मृत कारित करने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, इस प्रकार के ये कार जो है कार ये कार धारा 300 से अच्छा देता है, उसने हत्या का अपराध किया है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट के अंदर प्रश्न का समस्या ए ने जो है हत्या का अपराध किया है, ए का व्यक्ति का समूह के बिना व्यक्तियों के समूह के बिना किसी पर हेतु पर गोली चलाता है, जिस व्यक्ति ए की मृत्यु हो जाता है उस कार का मृत्यु कारित करने के लिए आशय किया गया कार है। यानी ए ने जो है हत्या का अपराध किया है, ए ने क्या क्या है हत्या का अपराध किया है, ए व्यक्तियों के समूह के बिना क्या है व्यक्तियों के व्यक्ति के समूह के बिना किसी पथ हेतु के गोली चलाता है, यानी किसी पथ हेतु को गोली चलाता है जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उस कार्य मृत कारित करने के लिए आशय से किया गया कार है। अब आईपीसी की धारा 300 के खंड 4 ये कहती है कि कार्य इतना असन संकट हो कि अधिसंभाव मित्र कारित कर दे या ऐसी शरीर क्षत कारित कर दे उसे मित्र कारित हो जाना संभव हो और मित्र शरीर क्षत के बिना किसी पथ हेतु के किया गया हो वो हत्या है। उपरोक्त विधिक प्रावधान के आधार पर इसका कहा जा सकता है इन्हें हत्या का अपराध किया है। ठीक है, अब फोर्थ देखते हैं प्रश्न का समस्या ए ने हमला का अपराध किया। फोर्थ पॉइंट करते देखते हैं, इसमें यह कहता है कि एक मिनट, अब हम फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में क्या कहता है, प्रश्न का समस्या ए ने हमला का अपराध किया है। क्या क्या हमला किया है, हमला का अपराध किया है। प्रस्तुत समस्या भारतीय दंड संहिता की धारा 351 पर आधारित है। 351 दंड पर आधारित इस धारा के अनुसार जो कोई इस इंटेंशन से या ये संभव जानते हुए या संभावना जानते हुए कोई अंग विच्छेप या कोई तैयारी करता है या कोई प्रिपरेशन करता है
कि ऐसे अंग विच्छेद, ऐसे जो प्रदर्शन करता, ऐसी तैयारी करने की किसी भी उपस्थित वेद को यह आशंका हो जाए, माता आशंका हो जाएगा कि उसने ऐसा अंग विच्छेद या तैयारी करता है उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने वाला ही है और वो हमला करता है। परंतु समस्या में ए ने बी पर मुक्का उठाता है जिससे बी को विश्वास हो जाता है कि ए ने उस पर प्रहार करने वाला है। अब इसमें यह कहता है कि प्रस्तुत समस्या ए ने बी पर मुक्का उठाने जिससे बी को विश्वास हो जाता है कि ए उस पर प्रहार करने वाला है। उपरोक्त विधि पूर्वाधान के आधार पर निष्कर्ष में कहा जा सकता है ए ने हमला का अपराध किया है। अब फिफ्थ पॉइंट देखेंगे। फिफ्थ पॉइंट में देखें, बी ने चोरी का अपराध किया है। फिफ्थ पॉइंट का सवाल अब देखेंगे कि उसमें क्या कहा। उसमें प्रश्न का समस्या है, ए ने बी के कब्जे में वृक्ष के बेमानी से ले लेने से काट डालता है। ए ने जो है बी के वृक्ष से बेमानी के लेने के लिए काट डालता है। जैसे ए ने इस प्रकार लेने से उस वृक्ष को पृथक किया है, उसने चोरी का अपराध कर दिया है। परंतु समस्या भारतीय दंड संहिता 378 पर आधारित है जिसके अंतर्गत किसी वेद के कब्जे में से पैमाने से ले लेने के आशीष जंगम संपल लेने से हटा लेने से चोरी होता है। इस धारा के स्पष्टीकरण के अनुसार प्रश्न का समस्या वृक्ष भूभद, लेकिन जिसे भी भूमि से अलग होता है वो जंगम संपत्ति हो जाता है, इसलिए चोरी के विषय होने का योग हो जाता है। यानी कि अगर कोई पेड़ है और पेड़ मूवल प्रॉपर्टी में आता है और सॉरी इमूवल प्रॉपर्टी में आता, उसे अलग कर दिया जाता है और उसे ले जाता है, तो जो है इमूवल प्रॉपर्टी यानी चलेमान हो जाता है, वरना पहले से इमूवल प्रॉपर्टी होता है। यानी स्पष्टीकरण दो के अनुसार जो है इसका क्या कहता है, स्पष्टीकरण दो के अनुसार हटाना उसी कारण द्वारा किया गया जिसे पृथककरण किया गया है, चोरी हो सकेगा। उपरोक्त विधिक प्रावधानों के आधार पर निष्कर्ष में कहा जा सकता है ए ने चोरी का अपराध किया है। क्या क्या है, चोरी का अपराध किया है। अब देखते हैं सिक्स देखते हैं। प्रस्तुत समस्या में ए ने कोई अपराध नहीं किया है। प्रस्तुत समस्या में भारतीय दंड संहिता की धारा 403 के दृष्टांत ए पर आधारित है जिसमें कहा गया कि ए राजमार्ग पर जो एक रास्ता है, राजमार्ग है, एक रुपया पड़ा मिलता है ए जानते हुए कि ये रुपया किसका है और ए उस रुपये को उठा लेता है और यहाँ ए ने इस धारा के में प्रभावित अपराध नहीं किया है। प्रस्तुत समस्या ए को राजमार्ग पर एक अंगूठी मिली हुई है जो किसी कब्जे में नहीं है, वो उसे वहां से उठा लेता है जिसमें किसी पीछे बेईमानी या आशय नहीं था। अगर बेईमानी आशय है तो अपराध है, बेईमानी आशय नहीं है तो अपराध नहीं। चूंकि अंगूठी राजमार्ग पर पड़ी है इसलिए स्वामी की खोज किया जाना असंभव था। उपरोक्त विधि प्रावधानों से इन दृष्टांत पर आधारित के निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि प्रश्नगत समस्या ए ने कोई अपराध नहीं किया है। तो ये क्वेश्चन था दोस्तों आईपीसी के, और मैं कल जो है क्वेश्चन 7 पर मिलूंगा दोस्तों। एवरीवन दोस्तों बने रहे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, गुड बाय।